मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर रमन्ना उर्फ रावलू श्रीनिवास की मौत होने की खबर है। यह भी बताया जा रहा है कि सोमवार को बीजापुर जिले के पामेड़ और बासागुड़ा गांव के बीच जंगल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पिछले दो दिनों से हार्ट अटैक के चलते रमन्ना की मौत होने की बात कही जा रही है। वहीं तेलंगाना के कोत्तगुडम के एसपी सुनील दत्त ने मौत की पुष्टि की है। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों में हलचल बढ़ गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस और अधिकारियों की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले भी उसके बीमारी मुठभेड़ में मौत होने की अफवाह फैल चुकी है। तेलंगाना के वारंगल की रहने वाला रमन्ना नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सचिव था। उस पर तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने करीब 2.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अकेले छत्तीसगढ़ पुलिस ने उस पर 40 लाख रुपए का इनाम रखा था। बताया जाता है कि पुलिस के पास रमन्ना की जवानी की तस्वीर है। इसके बाद से उसकी तस्वीर अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है और अब रमन्ना काफी बूढ़ा भी हो चुका था। वहीं पुलिस का कहना है कि जब भी किसी नक्सली नेता की मौत होती है तो उनकी जीवनी का प्रकाशन नक्सली करते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। पिछले एक दशक के दौरान सुरक्षा बलों पर हुए बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रमन्ना को माना जाता है। इन हमलों में सुरक्षा बलों के कई जवान शहीद हो चुके हैं। अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा जिले के चिंतलनार गांव में 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या, मार्च 2014 को सुकमा जिले में जुरुम नाला में 16 सुरक्षाकर्मी और अप्रैल 2017 में बुरकापाल में 25 सीआरपीएफ जवान उसके हमले में शहीद हुए थे। रमन्ना का बेटा श्रीकांत उर्फ रंजीत भी पीपुल्स लिबरेशन गुलिरिला आर्मी बाल्टियन में काम करता है। रमन्ना का भाई परशुरामुल्लू भी एक नक्सली नेता था और 1994 में मारा गया। उसकी पत्नी भी एक नक्सली थी और वह भी मुठभेड़ में मारी गई थी। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।